भारतीय जनता पार्टी महानगर के विभिन्न विभागों एवं प्रकोष्ठ की बेनीगंज स्थित भाजपा महानगर कार्यालय पर गोरखपुर अयोध्या स्नातक चुनाव व स्थानीय निकाय चुनाव में नए मतदाता बनाने के संदर्भ में बैठक की गई, जिसके मुख्य अतिथि क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉ. धर्मेंद्र सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि इस बैठक के माध्यम से कार्यकर्ताओं को बताया गया कि अधिक से अधिक नए मतदाताओं को जोड़ें व सर्वाधिक वोटर बनाएं और समाज का कोई भी वर्ग हमसे अछूता न हो। लोग हमसे जुड़े अधिकांश घरों में स्नातक मतदाता हैं, उनसे संपर्क कर इनका स्नातक फॉर्म भरवाकर नए मतदाता जोड़ें। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो लक्ष्य दिया है उसे कार्यकर्ता पूरा करेंगे एवं 3 दिन विशेष अभियान चलाकर हजारों की संख्या में नए मतदाता कार्यकर्ता जोड़ें। इस अवसर पर विनय सिंह, JRF डॉक्टर गिरिजेश दत्त पांडे, जितेंद्र गौण, अमिताभ त्रिपाठी, अटल एडवोकेट गणेश जायसवाल, संजय गौण, विष्णु जायसवाल, अजय सिंह, अजय गुप्ता, बजरंगी एडवोकेट, जितेंद्र चौधरी, जीतू किशन कुमार, अजय सिंह, संजू, संदीप पांडे, भास्कर शुक्ला एडवोकेट, गंधर्व पाठक, राहुल घोष, अवनीश मणि त्रिपाठी, संजय सिंह, श्यामू, विनोद दुबे, समीर श्रीवास्तव, आशीष गुप्ता, सोनू, संदीप त्रिपाठी, प्राण तिवारी, गृजेश राज त्रिपाठी, विपुल त्रिपाठी, जितेंद्र बहादुर चंद, अनुभव वाजपेयी, ज्ञानेंद्र सिंह, निखिल मोटानी, नीलेश पांडे, शिव कुमार शर्मा, मनीष कांत ओझा, राजा त्रिपाठी, भोला अग्रहरी, विनय कुमार, नितिन जायसवाल मंडल अध्यक्ष, संत सुकृत्य, अमित सिंह सूर्यवंशी, विनय राय कार्यालय प्रभारी, शिवम पांडे, अजय सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, आदरणीय जितेंद्र गौर जी का भी इस बैठक आज की बैठक में गोरखपुर ग्रामीण विधानसभा के संयोजक किसान मोर्चा के महानगर के महामंत्री समरेंदु सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्र के वरिष्ठ नेता विनय सिंह, हमारे विभाग एवं प्रकोष्ठों के संयोजक सह संयोजक गण, आप सभी का आज धनतेरस के पावन पर्व पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं आप सभी निश्चित ही आज की जो बैठक है स्नातक चुनाव की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण बैठक है। हम सभी इधर लगातार प्रयास कर रहे हैं स्नातक चुनाव के दृष्टि चुनाव को हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोकप्रिय क्षेत्रीय अध्यक्ष हम सभी के नेता आदरणीय डॉक्टर साहब का इस महानगर कार्यालय पर एक बार पुनः हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जब पूरा घर की सफाई से लेकर के साफ सफाई से लेकर के घर में बहुत सारे चीज़ों को खरीदना लाना एक व्यस्तता भरा दिन रहता है और शहर के इस बीचों बीच में जहाँ हम सब देवीगंज में बैठक में आए हैं, चारों तरफ से कई प्रकार के चार पहिया वाहन और वन वे ट्रैफिक प्रोहिबिटेड भी किया गया, ऐसे समय में भी आप लोग एक स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नए मतदाता बनाने के विषय को लेकर के यहाँ पर इकट्ठे आए हैं। मैं आप सबका धनतेरस के पवित्र पावन अवसर पर आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। कोई भाषण का के विषय को लेकर के या भारतीय जनता पार्टी के अनेक अभियान कार्यक्रम को लेकर के नहीं, केवल एक सिंगल एजेंडे पर स्नातक निर्वाचन क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अंदर 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होने हैं, इसी में हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव भी होने हैं। दोनों दृष्टि से एक साथ काम चल रहे हैं, हम सब अपने अपने वार्डों में भी अपने अपने नगर निकायों में भी नए मतदाता बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हर बार नए मतदाता यानी जो पिछली बार बना होगा वो सब मतदाता समाप्त हो जाते हैं, फिर से नए मतदाता बनते हैं। भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी की का विजय अभियान जब 2014 से प्रारंभ हुआ और तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक समृद्धशाली शक्तिशाली कैडर के रूप में उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है और इसलिए हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। अब ये धीरे धीरे ताकत बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर
किसी भी चुनाव को लड़ सकती है और किसी भी चुनाव में विजय हासिल कर सकती है। हर जगह अपने मोर्चों के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से, अपने भारतीय जनता पार्टी का जो मेन पार्टी का स्ट्रक्चर है, पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष से लेकर के शक्ति केंद्र। उत्तर प्रदेश में 3 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव होने हैं। स्थानीय निकाय के चुनाव, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के भी चुनाव होने हैं। आज उसी संदर्भ में गोरखपुर महानगर की ये बैठक थी। गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में भी नए मतदाताओं को बनाने की दृष्टि से ये हमारे गोरखपुर क्षेत्र में जो निवास करने वाले विभाग और प्रकोष्ठ हैं उनके कार्यकर्ताओं की बैठक यहाँ सम्पन्न हुई है। उन सब से हम लोगों ने नए मतदाता बनाने और स्थानीय निकाय चुनाव में नगर निगम के वार्डों में भी जो नए मतदाता हैं उनको जोड़ने और बोगस मतदाताओं को कटवाने की दृष्टि से इन सब विचार विमर्श हुआ है, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।